સારા કલાકારની અંદર ગાયકી અને સારો દેખાવ બંનેનું ગ્રેટ કોમ્બિનેશન એન્ડ ધેટ ઇઝ સિંગિંગ પરી સુનિતા રાવ. સુનિતાજી આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. નમસ્કાર. 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 શુક્રિયા. સુનિતાજી સબસે પહેલે તો પરી પરી કે હિસાબ સે હી લોગ જાનતે આપકો. તો યે જો પરી આપકા પરી હું મેં યે ગાના થા અબ ઉસસે પૂરા હિટ હો ગયા ઓર લગ ગયા કે સુનિતાજી કી જો પહેચાન થી પહેલે ભી થી લેકિન ઇસ ગાને સે મેરે હિસાબ સે જિસ હિસાબ સે સેલિંગ હુઆ થા ઇસ કેસેટ કા કૈસે ગાના આપને આલ્બમ જો બનાયા થા ઉસમે યે ગાના મિલા થા પૂરે આલ્બમ મે યહી ગાના ખાસ કર કોરી યે ગાના થા જબ ગાયા થા ક્યા એક્સપેક્ટેડ થા કી ઇતના હિટ હોગા. પરી જબ કમ્પોઝ હુઈ થી તબ મુઝે પતા થા કે યે બહોત સ્પેશિયલ કમ્પોઝિશન હૈ ક્યોંકિ ઇસમે જો રેફરન્સિસ હમને યુઝ કી ઇસમે જો લિરિક્સ હૈ વો મુઝે બિલકુલ છુ ગયે. और मुझे पता था ये कुछ होने वाला है लेकिन इतना बड़ा होने वाला है मुझे नहीं पता था. क्योंकि इसमें एक जादू है जो लोगों के दिलों तक सीधा पहुंच गए और ऐसी चीजें हमारे हाथ में नहीं है. सही बात. ये ऊपर वाले का कमाल है. मतलब जिसने कंपोज किया था शायद आपको तो ये अंदाजा था कि ये गाना डेफिनेटली हिट होगा और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा आपको रिस्पांस मिला जो भी लिसनर थे उनके थ्रू. क्रिटिक्स ने भी बहुत अटके इस गाने को क्रिटिसाइज किया था. क्या क्या रिएक्शन आए थे जो भी ये फील्ड के थे इंडस्ट्री के थे जब गाना आपका लॉन्च हुआ था. वैसे ये एल्बम धुआं जब रिलीज हुई थी तब किसी को पता भी नहीं था कि एक एल्बम रिलीज हुआ है क्योंकि उन दिनों में कंपनीज के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी प्रमोशन नहीं थी, तो किसी को पता भी नहीं था क्योंकि उन दिनों में एमटीवी भी नहीं थी, वी भी नहीं थी. दो साल के बाद 1993 में एमटीवी का जन्म हुआ. उस साल में मैंने परी का वीडियो बनाया और आई थिंक इसी साल में फिल्म फेयर अवार्ड्स में मैंने परी को गाया. दैट वॉज द फर्स्ट प्रॉपर एक्सपोजर दो साल के बाद. और फैशन शोज के द्वारा और ये दो चीजों के द्वारा परी फेमस हो गई. और मैंने कभी किसी से भी कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं सुनी इस गाने के बारे में. सुनिता जी, खास आपने बताया कि ये गाना जब ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था उसके दो साल के बाद आपने वीडियो बनाया इसका. मैं मेरा सवाल यही कि क्या लगता है आपको कि आज की तारीख में जो भी गाने बनते हैं अगर उसके वीडियो रिलीज नहीं किए जाए तो वो गाना इतना पॉपुलर नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली ये बात सही है. और एक एल्बम में हम इतनी मेहनत डालते हैं, 8 गाने गाते हैं 10 गाने और फिर वीडियो 1 या 2 रिलीज होते हैं और लोग हमेशा उसी को देखते हैं, उसी को सुनते हैं. बाकी के गाने ये अफसोस की बात है. इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि सिंगल्स रिलीज करनी चाहिए क्योंकि अगर आप फिल्म में गाना गाते हैं तो अलग बात है, मूवी के द्वारा आपको प्रमोशन हो जाता है, लेकिन अगर आप एल्बम आर्टिस्ट हो तो प्रमोशन बहुत मुश्किल होती है. सो बट ये हम जानते हैं और हर एक गाने की एक नसीब होती है. और धुआं जो मैंने टाइटल कर रखा था फिर भी ये तीसरा गाना जो था वो पॉपुलर हो गया. तो यू नो बिकॉज़ लोग सुनते 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 उससे मोहब्बत करने लगे. दैट्स व्हाट हैपेंड एक्चुअली. सुनिता जी, इतना अच्छा चेहरा, आप अच्छा डांस भी करती है. थैंक यू. फिल्मों में कभी आने का इरादा? शुरू में मैं सोच रही थी क्योंकि मैं बेसिकली एन एक्ट्रेस भी हूँ. थिएटर में मेरी शुरुआत हुई थी और शुरू में कुछ कोई डेरिंग नहीं करता बुजुर्ग लोगों ने कोई डायरेक्टर डेरिंग नहीं करता डेर नहीं करता कि आपको. हाँ जरूर, दो बहुत मशहूर और मैं उनके नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कहेंगे कि मैं कुछ यू नो आई एम बोस्टिंग और समथिंग, लेकिन दो बहुत बड़े डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया था और मैं 16 साल की थी. और मैं तो कॉलेज में पढ़ रही थी, इंग्लिश में म्यूजिकल थिएटर कर रही थी उस वक्त, तो मैंने अपना नाक ऊपर कर दिया और कहा हिंदी मूवीज नॉट फॉर मी. ओके, आई वांट टू फोकस ऑन माय म्यूजिक. क्या भी लगता है अफसोस होता है कि ये जो ठुकरा दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं. इस तरह की मोहब्बत मिले तो मैं क्यों अफसोस क्यों.
कभी कभी लगता है कि मैं वो भी करना चाहती हूँ. तो थिएटर के द्वारा मैंने एक्टिंग की है और करती रहूंगी. एंड यू नेवर नो, अगर किसी को मेरा चेहरा एक स्क्रिप्ट में पसंद आए या मेरी पर्सनैलिटी को यूज करते हैं, देन दे आर मोस्ट वेलकम. आजकल एक्टिंग की एक्सपीरियंस हो ना हो, इफ यू आर यू सूटेड फॉर समथिंग यू गेट पिक्ड अप. किसी भी एज, टुडे देयर आर ऑल एजेस, देयर आर रोल्स, सो यू नेवर नो. जिस तरह से सुनो, मेरा अगला सवाल ये कि जिस तरह से आपने देखा कि बहुत ही मतलब डजन के भाव हैं जो एल्बम निकलते हैं, खास करके मैं स्पेसिफिक बोलूंगा कि ये जो पंजाबी एल्बम निकलते हैं इतने, कहीं ना कहीं लगता है आपको कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ बिजनेस के लिए संगीत का खून किए जा रहे हैं लोग? देखिए, अगर आप म्यूजिक बिजनेस कहेंगे तो बिजनेस बन जाती है. और कोई भी बिजनेस में मीडियोक्रिटी होती है, मनी मेकिंग होती है, ये सब चीजें हर बिजनेस में होती है, म्यूजिक बिजनेस में भी है. मैं यही सोचती हूँ कि आर्टिस्ट बहुत है इस देश में, वी हैव अ ट्रेजरी ऑफ आर्टिस्ट. उनको अगर ठीक तरह से प्रमोट किया जाए, उनको मैनेज किया जाए, तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री और भी खिल जाएगी. मेरे हिसाब से बहुत सीरियस बातें हमने कर ली. थोड़ा 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 जाते पास्ट में. सुनीता जी, जो जैसी क्या बोलू मैं, अगर प्रॉपर वर्ड यूज करूँ तो धीर गंभीर जो दिखती थी ये परी में, एक क्यूट सी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, क्या सुनीता राव यही है कि सुनीता राव खुद नोटी जब बचपन में थी? मैं बहुत चंचल थी और हूँ. क्योंकि परी तो है एक एस्पेक्ट थी, परी वाज वन एस्पेक्ट ऑफ माय पर्सनालिटी. उसके बाद कुछ सालों के बाद मैंने दहका दहका रिलीज किया, जो एकदम अग्रेसिव पैशनेट अपील थी. उसके बाद मैंने केसरिया रिलीज किया, जिसमें वो एक दूसरा रंग हुआ. चंचल भी थी लेकिन मैं शर्माती भी बहुत थी. अच्छा. दोनों साथ में एक स्ट्रेंज अजीब सा कॉम्बिनेशन था. थोड़ा स्कूल का एक हादसा जरा सुना दीजिए कि क्या कुछ ऐसा चंचलता किया था, कभी पनिशमेंट डांट पड़ी थी? वैसे उस तरह की चंचलता नहीं. मैं कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी, लेकिन मुझे बुली किया गया था. ऑन द कंट्री, स्कूल में कुछ एक दो लड़कियां थी जो मुझसे जलते थे, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग हमेशा मेरे साथ बात करना चाहते हैं, ये वो. तो और वो बहुत सुंदर थे, गोरे गोरे थे, ग्रीन आईज एंड ऑल, एंड वो मुझे बुली करते थे. और मैं घर जाके रोती थी. और यू वोंट बिलीव इट, माय कॉम्प्लेक्शन, आई वाज टीज्ड अबाउट माय कॉम्प्लेक्शन, जो बाद में मेरा फायदा हुआ, यू नो. सो यस, इट वाज डिफिकल्ट, दैट पीरियड वाज डिफिकल्ट. कॉम्प्लेक्शन अगेन, मैं उसी बात पे आता हूं. दर्शक मित्रों, समय थयो छे विरामनो. सुनीता राव जोडे घणी बधी वात करवानी छे, कारण के हवे लागे छे के प्रोपर परी जी प्रोपर मूळमां आवी गया छे. मळी एक नानकडा विराम बाद. और जिनको वो अटेंशन नहीं मिलती थी वो जलते थे और वो बुली करते थे और वो मुझे उसके बारे में टीज करते थे. लेकिन मुझे कभी एक क्षण के लिए भी नहीं महसूस हुआ कि मैं सांवली हूँ इसलिए किसी भी तरह से कम हूँ. क्योंकि मेरी
मेरी जो अपब्रिंगिंग है, जो मुझे अफेक्शन एंड सिक्योरिटी मिली मेरी फैमिली और दोस्त से, उससे मैं मेरी कॉन्फिडेंस, अंदर की कॉन्फिडेंस इतनी फैमिली और दोस्त की बात करते हैं, अगर दोस्तों का नाम पूछा जाए आपको कि सुनीता जी के दोस्त, अगर एक दोस्त का नाम देना है, किसको देंगे? यस, शी इज माय सॉल और ही इज माय नियति भगवती. नियति, व्हाई? क्यों नियति? अपने अपने गुजराती छपी छे. ओके, आपने गुजराती में बात करी शकिए थोड़ा, बट डोंट इवन ट्राई. ओके, धूम मचा दे प्रमोट करवा माटे આવી છું. ગુજરાતી તો સરસ છે, પર આઈ મીન આઈ ગ્રોન અપ અમંગ ગુજરાતી. નિકિતા, નિકિતા બતાય આપને. નિયતિ, નિયતિ. આપ ક્યા નિયતિ કે સાથ કિતને કિતને કબ સે આપકી દોસ્તી થી? ફ્રોમ ઝીરો. ઓકે, ફ્રોમ ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડ ટુ 10th. સ્કૂલ મે સાથ મે થે? સ્કૂલ મે સાથ, એક સાથ મે, એક હી બેન્ચ પે સ્કૂલ. ઓકે ઓકે, ક્યા ચીજ આપકો ભાગે થી નિયતિ? ઓ ધેટ કભી કભી કિસી ને મુજે નહીં પૂછા થા વો. યે માય फ्रेंडशिप इज अ स्पिरिचुअल थिंग. आई डोंट, मैं कह नहीं सकती कि उसके बारे में, शी वेल आई कैन टेल यू, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत वाइवेशियस है, लेकिन धीमे धीमे बात करती है. और डॉक्टर है अब, कैंसर के डॉक्टर है. उनके पिताजी जस्टिस, अंकल जी जस्टिस भगवती है, पिताजी न्यूरोसर्जन एस एन भगवती. बहुत एजुकेटेड फैमिली एंड बहुत अफेक्शनेट है नहीं थी. और हम इतना समय बिता रहे थे साथ में कि हम जुदा हो ना सकते. कहाँ कहाँ की बात है? कहाँ की बात? स्कूल की, स्कूल में. बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल, बॉम्बे. बॉम्बे की. सुनीता जी, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप जहाँ पे भी हुआ था, नियति के साथ गहरी दोस्ती हुई, ऐसा कोई खास इंसिडेंट की आप और नियति भले 5 साल के बाद मिले, वो इंसिडेंट तो याद करेंगे ही करेंगे? बिल्कुल. सबसे पहले तो जब हम 10th स्टैंडर्ड में हमें सेपरेट हुआ होना पड़ा, क्योंकि वो फिर एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में गई और मैं जेवियर्स में गई थी. उस वक्त हमने दोनों एक दूसरे पकड़ कर इस तरह से रोए. हम दूसरे शहर में तो नहीं जा रहे थे, एक ही शहर में थे. लेकिन क्या होता है कि जब ऐसे जुदा जुदा हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशन से जुदा हो जाते हैं, तो लगता ही है ऐसे. लेकिन और कुछ सालों के लिए वो अपने मेडिकल फ्रेंड्स के साथ मिलजुल गई है वो. लेकिन बाद में somehow मुझे हमेशा, मेरी हमेशा कोशिश रही कि उसके साथ मैं इन टच रहूं. और थोड़े शुरू शुरू में वो इतनी नहीं कर रही थी, क्योंकि मेडिकल, माय गुडनेस, आपने वो किताबें देखी, किसी के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए टाइम नहीं होता है. तो उस बहुत सालों बाद somehow फिर से हमारा रास्ता एक हो गया. और फिर वो अमेरिका गई, मैं अमेरिका में जाके उसके साथ भी रही थोड़ी देर. तो ना अभी तो ऐसे कोइंसिडेंट ही, आज मुझे मिलना था उसको, एक दिन था आज बॉम्बे में मिलने के लिए और मैं अहमदाबाद आ गई. ओके ओके. सुनीता जी, अगेन जो बात निकले कि दोस्तों की, नियति के साथ आपने बताया कि गहरी दोस्ती, थोड़ा परिवार में जाते हैं. परिवार में क्या लगता है? लेकिन आप एक हद तक जा सकते हैं पर्सनल लाइफ में. परिवार 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 में मम्मी पापा भी जाओगे, ठीक है? ओके, क्या लगता है कि सुनीता पे किसका प्रभाव है, मम्मी या पापा? सबसे ज्यादा क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंस्पायर किसने किया? वैसे लोग कहते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी मेरे पिताजी के जैसी है, लेकिन उम्र के साथ में थोड़ी मम्मी की पर्सनैलिटी आ रही है मुझ में. लेकिन इंस्पिरेशन तो दोनों से इक्वल हुई है. मम्मी से जो मेरी म्यूजिक है वो मेरी मम्मी से मिली, एंड जिंदगी से जो मोहब्बत है वो पिताजी से मिली. दूर रहना पड़ता होगा मम्मी पापा के साथ, कार्य प्रोग्राम जो होते होंगे आपके, रिहर्सल होते होंगे, याद मम्मी पापा याद आते हैं? मैं उनके साथ ही हूँ. हाँ, मैं उनके नजदीक रहती हूँ और मैं रोज मिलती हूँ उनसे. जब भी काम करूँ तब भी मैं मिलती ही रहती हूँ. मेरे दूसरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उनसे दूर रहते हैं. अच्छा, मतलब अभी भी प्यार जो बचपन में था बरकरार है, आप उन्हीं के साथ रहते हैं, गाइडेंस मिलता रहता है उनके साथ. दर्शक मित्र, अगेन बात करिए छे फैमिली नी, घनी बधी इमोशनल बातों करिए छे, परंतु एक नाना का ब्रेक बाद.
દર્શકો અગેન બ્રેક પછી સ્વાગત છે આપનો કાર્યક્રમ અતિથિમાં ગેસ્ટ ઓફ ધ ડે માં આજે છે સુનીતા રાવ પરીજી મેં આપકો પરીજી બોલતો હું અચ્છા પરીજી જે પરી બોલું ચલો નહીં નહીં સુનીતાજી ઠીક છે સુનીતાજી आपने बताया कि फैमिली के साथ आज की तारीख में भी आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है पापा म्यूजिक आपको मिला है मम्मी से और जो जीने की जो रस्म है उत्साह है जो कैसे लड़के जिया जाता है कभी भी डिप्रेस ना हो वो पापा से मिला है ओके नाउ 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 अब बहुत सारे लोगों की आइडल है सुनीता राव बहुत लोग चाहते कि नहीं गाओ तो यार ऐसा गाओ थोड़ा ये जो गाया था ये परी हूं मैं ऐसा कुछ आवाज चाहिए सुनीता राव किसको आइडल मानती है मेरी मम्मी दुनिया की सबसे बड़ी सबसे अच्छी सिंगर हैं और आशा जी और किशोर कुमार और बिली जोएल वेस्टर्न ये मेरे इंस्पिरेशंस हैं वोकली म्यूजिकली और फिर ऑफ कोर्स क्लासिकल में MS सुब्बलक्ष्मी एंड राशिद खान शंकर महादेवन जाकिर हुसैन सुनीता जी नॉर्मली कहा जाता है कि ये जो फील्ड है ग्लैमरस फील्ड है इतना सारा पैसा भी है ओके नेम फेम सब कुछ है कहीं ना कहीं जो भी नया आर्टिस्ट आते हैं उनको बहुत ही जो सीनियर होते हैं परेशान करते आगे आने नहीं देते भले आप मानो ना मानो लेकिन ऐसे किससे भी आए थे कि कहीं ना कहीं हर्डल तो क्या क्या आप मानते हैं कि जो नए आर्टिस्ट आते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगल होती है या तो कहीं ना कहीं कोई गॉडफादर चाहिए अगर नहीं मिला तो अच्छा टैलेंट भी दब जाता है कुछ देखिए स्ट्रगल तो हर आर्टिस्ट की होती ही है स्टिल अगर स्ट्रगल ना हो तो आप आर्टिस्ट नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट सेटिस्फाइड नहीं होता तो हम जो भी करते हैं अगर सक्सेस भी मिली पैसे भी मिले फेम भी मिले हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि बस हमारा काम हो गया और अब हम बैठ जा सकते हैं ऐसा हम कभी फील नहीं करते इसलिए वो डिससेटिस्फैक्शन की वजह से स्ट्रगल बरकरार रहती है लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप जल्द से जल्द इमीडिएट इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढते हैं तो आपके लिए बिल्कुल यू मस्ट बी रेडी फॉर एनीथिंग ओके ओके एंड यू मस्ट कीप रियाज जारी रखना मैं रियाज पे आने वाला था सुनीता जी एक ये आवाज और एक बात होती है कि जब आर्टिस्ट एक स्टेज पर पहुंच जाता है उसी प्लेटफॉर्म को उसी स्टेज को पकड़ के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्या क्या कितना रियाज होता है आपका आज की तारीख में भी देखिए आई मस्ट एडमिट कि इमीडिएटली आफ्टर द इनिशियल रिलीज बहुत सारे शोज थे तो शोज तो रियाज नहीं होते लेकिन स्केड्यूल इतनी हेक्टिक होती है कि रियाज के लिए वक्त तो होता है लेकिन मन में वक्त नहीं होता तो कुछ महीनों के लिए इधर उधर मैं चुप गई थी रियाज में जरूर और मैंने सफर किया क्योंकि फिर मैं थक रही थी ये वो कुछ देर के लिए मुझे रेस्ट लेना पड़ा क्योंकि वो स्टैमिना नहीं होती उसके बाद मैंने कहा दिस इज नॉट डू तो मैं वापस टीचर्स के साथ बैठ के सही तरीके से वॉइस कल्चर सीख के प्रैक्टिस की एंड टुडे कोई भी कहता है ना आई मीन आई एम ओपनली सेइंग आई एम नॉट अ क्लासिकल परफॉर्मर आई मे हैव ट्रेन्ड अ लिटिल बिट इन क्लासिकल बट आई एम नॉट अ क्लासिकल परफॉर्मर सो मेरी क्लासिकल ट्रेनिंग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जब मैं 60 साल की हूँ तभी मैं शायद कॉन्सर्ट कर पाऊंगी मैं पूछूंगा नहीं कि मैं पूछूंगा नहीं ये गुस्ताखी भी नहीं करूंगा कि कितने साल बाकी है 60 साल नहीं बहुत है बहुत अच्छा बहुत लेकिन मेरी प्रैक्टिस जारी रहती है रोज कुछ ना कुछ मैं गाती रहती हूँ सुनीता जी एक सीधा सवाल मेरा कि ये फील्ड में रेगुलर एलिगेशन होता रहता है कास्टिंग काउच का क्या मुझे क्या पता मैं एक्ट्रेस तो थोड़ी मेरे फील्ड के बाहर है मतलब कुछ नो कमेंट आइडिया नहीं है मुझे ओके आपने अपनी अच्छी गायकी का राज तो बता दिया ओके कि आपने बताया कि मैं इतना रियाज करती हूँ रियाज नहीं करती हूँ तो उस वक्त मुझे लगा कि मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा लिटिल बिट कहीं खराब हो गया सुंदरता का राज क्या है सुनीता जी बहुत सारे चाह के आपके जो देखते हैं बोलता है कि आवाज तो अच्छी है सुनीता जी की दिखने में भी क्या व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटीनेस वेल थैंक यू आई थिंक आई हैव इनहेरिटेड माय फेस फ्रॉम माय पेरेंट्स आई मीन और कहाँ से आ सकता है लेकिन आई थिंक आई जस्ट मैं अपने आप को भी जैसे हर हर एक लड़की हो या लड़का यू मस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ
मैं अपने आप की देखभाल करती हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीजें आ रही है, मैंने तारीफ कर दिया तो ऑब्वियसली कि ये करूंगी ये करूंगी, समझ गई। ओके नाउ ओके, हॉबीज क्या है संदीप जी आपकी? वैसे मैं एक डांसर हूँ प्रोफेशनली, मैंने अपनी डांसिंग तो यूज की है, लेकिन हॉबी के तौर पे भी मैं बहुत सारी लेसन्स लेती हूँ, स्पैनिश, लैटिन डांसिंग, सालसा डांसिंग, फ्लामेंको डांसिंग, ये सब मेरी हॉबीज है, साइड पे करती रहती हूँ। मैं ट्रैवल करती हूँ बहुत, रीडिंग, मूवीज एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक एंड मोर म्यूजिक। सुनीता जी को गुस्सा कब आता है? जब कोई मुझे समझता नहीं, मैं आई एम मिसअंडरस्टूड। और जब गुस्सा आ जाता है तो कैसे रिएक्ट? फट से चला जाता है। नहीं, रिएक्ट कैसे करता? मैं रोती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है, तब मैं रोती हूँ। ओके ओके, तो आप मुझे रुलाइए नहीं। मैं गुस्सा भी नहीं करवाऊंगा आपसे और रुलाऊंगा। ओके सुनीता जी, लाइफ की हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सी जो आज भी लगता है कि नहीं, यस दिस इज, दिस इज? या बिकॉज मेरे पिताजी दूर रहते थे जर्मनी में, मेरी पैदाइश जर्मनी में हुई थी, तो हम सब इंडिया में वापस आ गए और वो वहाँ पे कुछ सालों के लिए वहाँ रहते थे, तो मैं उनको बहुत मिस करती थी। तो एक दिन रात को मुझे जोर सा सपना आया कि वो आ गए, और जब मैं उठी तो मैं रोने लगी क्योंकि मैंने देखा कि वो नहीं थे। उसी दिन शाम को घंटी बजी घर की, और वो आ गए। सरप्राइज दिया, सरप्राइज दिया जर्मनी से। तो उस वक्त जो मुझे हैप्पीनेस महसूस हुई, आई डोंट रिमेम्बर एनी अदर हैप्पीनेस ऑफ दैट एक्सटेंट। एंड व्हाट वाज द एम्बरेसिंग मोमेंट? कभी ऐसा दर्द भरा कोई ऐसा हादसा की नहीं, आज भी अगर रोंगटे खड़े हो जाते हो, अगर याद आता है? शायद आप देखते रहिए, होता आपको मालूम होगा। मैं सुनना चाहता हूँ कि वो कौन सा दिन था, कौन सा लम्हा था, जब ऐसी चीजें बहुत पर्सनल होती है। अगर ऐसा कुछ हो तो मैं चलता के साथ नहीं कह सकूंगी। ओके फाइन, अगेन एक ऐसी विश नहीं, अभी भी लगता है कि नहीं, अरे बाकी है कुछ, अभी भी करना है ये। अभी तो बहुत कुछ है, बाकी बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे ये म्यूजिक जो है, ये नया एल्बम जो मैंने बनाया है, वक्त, ये मेरी पहली कोशिश है। पूरी एल्बम को मैंने प्रोड्यूस की है, मैंने लिखी है वर्ड्स एंड म्यूजिक, और वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियंस ने इन्हें इसको बनाया है। तो आई वांट पीपल टू हियर दिस, आई वांट पीपल टू अप्रिशिएट इट, आई वांट टू सिंग इट ऑल ओवर द प्लेस। ओके मेक वीडियोस। एक कॉमन क्वेश्चन जो सबको पूछा जाता है, उनके आंसर भी सबको मालूम है, फिर भी मैं वही सवाल आपसे पूछता हूं कि ये जो भी कॉम्पिटिशन होती रहती है सिंगिंग स्टार की, क्या क्या ये जो क्राइटेरिया सही है कि पब्लिक वोट करेंगे, उनमें से वो चूज करेंगे कि हु विल बी द फाइनलिस्ट और कौन चैंपियन है, सिंगिंग स्टार कौन है? क्या लगता है कि इससे ऐसे जरिए से सही स्टार, सही सिंगर हमको मिल पाएंगे? जस्टिफाई करता है क्या ये? आप अंदर से क्या मानती है? सिर्फ भूल जाइए फील्ड को, भूल जाइए आप फील्ड को लीड कर रही है, वो भी भूल जाइए, अंदर से सुनीता राव एज अ व्यूअर और एक जो ऐसी कलाकार की जो संगीत से प्यार करती है, कहीं देखे गुस्सा आता है ऐसे प्रोग्राम्स? मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई कांट वॉच रियलिटी शोज बिकॉज ऑफ आई कांट सी देम स्ट्रगलिंग। आई कांट सी, क्योंकि हमने फेलियर्स महसूस की है जिंदगी में, करियर में, लेकिन वो प्राइवेट में, ये पूरी दुनिया के सामने उनको ऐसा होता है, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। ज्यादा ड्रामेटाइज लगता है मुझे, लगता है, और मैं उनके लिए फील करती हूँ, इतनी छोटी उम्र में उसको कुछ और करे तो अच्छा। सुनीता जी, अभी प्रोग्राम, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को मौका मिले और वो मौका का करेक्ट फायदा उठाए, और दिल पे पत्थर रख के जो भी रियलिटी हो, जो भी हो, अपने प्रोफेशन में कामयाब हो, उसके बाद देन हैट्स ऑफ। ओके फाइन, सुनीता जी को कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक। ब्लैक कलर सबसे ज्यादा पसंद है। ओके सुनीता जी, हमारे व्यूअर मतलब बहुत तरस रहे, क्योंकि थोड़ा सा आपका सुरों का अस्वाद चखा दो। Well, आपने कहा कि this is one of the biggest cable channels in the country, so मैं अपनी सबसे बड़ी मैसेज म्यूजिक द्वारा दूंगी। मैं एक नई सिंगल रिलीज हुई है कॉल्ड सुन जरा। ये द हॉरिबल प्रैक्टिस ऑफ सेक्स सिलेक्शन, इसके खिलाफ है।
ये भ्रूण हत्या, लड़कियों की भ्रूण हत्या जो होती है उसके खिलाफ है. तो UNFPA की तरफ से पॉपुलेशन के साथ, पॉपुलेशन फर्स्ट में के साथ मैंने जो काम की है लाडली के साथ, उसको देख के उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ कीजिए. तो मेरे अपने गाने को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है जो आप देखेंगे वेरी सून. नाम है सुनजरा और मैं इजाजत चाहती हूँ. ओके, इस गाने में यही कहती हूँ कि यू हैव टू बी टफ. ओल्ड ट्रेडिशंस, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस को भूल के रिमेम्बर There's an equality in the sexes and हम दोनों की जरूरत है, लड़की और लड़कियां दोनों की जरूरत है. So forget the traditions, अपना हक जताओ. Be a woman, give birth to a baby girl. That's the appeal. Okay? सुन जरा, सुन जरा, सुन जरा, सुन लो दिल की जुबां, खुद को ना दे सजा. ये तो हक है तेरा, बात ये ना भुला. ना वो दिन रहा, ना वो रातें. And you know things are getting real rough. You've got to be tough enough. Great, 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 great. So thank you very much. हमारे शो में हमारे दर्शकों के साथ बात करें. दर्शकों में जुड़े दरों में सुनीता राव एक सी सिंगर तो अच्छे परंतु साथे साथे मस्ती भरी बातों पर घड़ी बनी चे. हाँ, आई नो कि समय को बहुत ऊँचो चे. फरीवा नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली जरा आपसे दारे. अगर सुनीता जी जाते तो हम डेफिनेटली इस इंटरव्यू का नेक्स्ट पार्ट भी हम शूट करेंगे. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. आपका जो प्रोग्राम है उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. दर्शकों फरीवार मिलीशु नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे. ध्यान सुनी मनोरंजन. नमस्कार.